थर्मल पावर प्लांट। कौन सा पावर प्लांट है? थर्मल पावर प्लांट। अब देखो बेटा, समझना ध्यान से। पहली चीज जनरेटर फिक्स है सर, कौन सा यूज में लेना है? सिंक्रोनस यूज में लेना है। वेरी गुड। इनपुट कैसा होना चाहिए? मैकेनिकल। वेरी गुड। फ्यूल, मैकेनिकल इनपुट देने के लिए क्या फ्यूल यूज में लेते हैं? तो थर्मल पावर प्लांट के लिए जो फ्यूल होता है वो क्या होता है? कोयला। क्या होता है? कोयला। जो प्लांट होगा वो प्लांट कैसा होगा? गैसेज होगा या स्टीम का होगा? सर स्टीम का होगा। किसका होगा? स्टीम का होगा। सर अगर मुझे स्टीम बनानी है तो मुझे किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सर जो रिक्वायर्ड होगा मेरा वो क्या होगा? सर वॉटर। वॉटर की जरूरत क्यों है? क्योंकि सर क्या बनानी है? स्टीम बनानी है। तो स्टीम कैसी होती है? हॉट होती है, गर्म होती है। स्टीम बनानी है मुझे, तो स्टीम बनानी है तो कोयला। कोयले को क्या यूज में लूंगा? सर कोयले को मैं क्या करूंगा? बर्न करूंगा। क्या करूंगा? बर्न करूंगा। और इस बर्न के करके मैं क्या करूंगा? गर्म करूंगा। गर्म करूंगा, हीट प्रोड्यूस करूंगा। और इस हीट से मैं क्या करूंगा? सर इस पानी को गर्म करूंगा। जब ये पानी बहुत जबरदस्त गर्म हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? स्टीम बन जाएगा। और इस स्टीम को मैं किसमें यूज में लूंगा? सर मैकेनिकल इनपुट के लिए यूज में लूंगा। और ये मैकेनिकल इनपुट कहां जाएगा? सर सिंक्रोनस जनरेटर के पास में जाएगा, जो क्या करेगा? टर्बाइन को घुमाएगा। और ये टर्बाइन को घुमाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? आउटपुट पावर मिलेगी। और जो आउटपुट पावर मिलेगी वो मेरी कैसी होगी? सर इलेक्ट्रिक आउटपुट पावर मिलेगी। मतलब आपके एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या हो जाएगा? जनरेशन हो जाएगा। क्लियर है? नहीं है तो देखो, अब तक हम लोगों ने पढ़ा उससे ये हमें पॉइंट मिले हैं, ठीक है? आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, थर्मल को पढ़ने के वो तो डिटेल में आगे चलेगा ही सही। अभी तक हमने जो पढ़ा उससे मुझे थर्मल के बारे में क्या क्या मैं विचार लगा सकता हूं? तो सर जनरेटर सिंक्रोनस से है, इनपुट मैकेनिकल होगा, फ्यूल मुझे चाहिए। थर्मल के लिए फ्यूल क्या होता है? कोयला होता है, ठीक है सर। प्लांट होगा वो मेरा कौन सा प्लांट है? स्टीम पावर प्लांट है। तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी स्टीम बनाने के लिए? पानी की जरूरत पड़ेगी। तो पानी को मैं गर्म किससे करूंगा? सर इस कोयले से करूंगा। कोयले को क्या करना पड़ेगा? मुझे जलाना पड़ेगा। उससे क्या प्रोड्यूस होगी? हीट। और इस हीट को मैं किसमें यूज में लूंगा? पानी को गर्म करने में। और गर्म करने के बाद ये क्या बन जाएगा? स्टीम बन जाएगा। और स्टीम को मैं कहां दे दूंगा? मैकेनिकल इनपुट पे दे दूंगा। और ये क्या करेगा? सर जनरेटर के टर्बाइन को घुमा देगा। और घुमा देगा तो मुझे आउटपुट में कौन सी एनर्जी मिल जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। समझ में आया कि नहीं है? मतलब एक ओवरव्यू तरीके से देख ले तो हमने थर्मल पावर प्लांट का बिहेवियर ही देख लिया कि कैसे कैसे ऑपरेट करेगा, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सही बात है कि नहीं है? तो ये समझ में आई? मतलब एक थर्मल पावर प्लांट जब हम बनाएंगे, जब एक थर्मल पावर प्लांट हम इंस्टॉल करेंगे तो उसमें ये सारी की सारी बातें सेटिस्फाई होना कंपलसरी है। वो इसकी तरह ऑपरेट करना चाहिए, तो वो इस तरीके से ऑपरेट करना चाहिए। ये इसका क्या होना चाहिए? सिक्वेंस होना चाहिए। चले अब आगे देखें। ठीक है भाई, देखते हैं थर्मल पावर प्लांट क्या बोलता है। देखो, तो दिस प्लांट जनरेट द एनर्जी बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। फ्यूल को हम जलाएंगे, और फ्यूल क्या है मेरा? कोयला है। सर फ्यूल क्या यूज में लेता हूं मैं? कोयला यूज में लेता हूं थर्मल पावर प्लांट में। आगे चलो। इज यूज टू हीट वॉटर। क्या करता है ये? पानी को गर्म करता है। और गर्म करने से क्या बनती है? सर स्टीम बनती है। क्या बनती है? स्टीम बनती है। और ये स्टीम कहां जाएगी? जनरेटर के ऊपर। क्या करेगी? टर्बाइन को घुमाएगी। और टर्बाइन अगर घुमा तो जनरेटर क्या करेगा? अरे सर इस मैकेनिकल पावर को कन्वर्ट कर देगा अरे इलेक्ट्रिकल पावर में। अरे बिजली बनेगी और आपको बिजली आउटपुट में मिल जाएगी। सर क्या होगा इन दिस प्लांट? क्या होगा कि ये हीट एनर्जी जो जनरेट कर रहे हो ना तुम, कोयले को जला के इसको यूज में ले लिया तुमने किसमें? वेट स्टीम बनाने में। मतलब क्या बनाने के लिए? स्टीम बनाने के लिए तुमने उसको यूज में ले लिया। और ये स्टीम क्या करेगी बेटा? सर ये स्टीम जाएगी कहां से? सुपर हीटर के पास में। अब ये सुपर हीटर क्या होता है? क्लियर है ये क्या होता है क्या नहीं होता है? ये तो पूरा वर्किंग बिहेवियर देखेंगे तो पता लग जाएगा, पर अभी आपको क्या जानना है कि ये स्टीम जो होगी ये कहां जाएगी? सर ये मेरी चले जाएगी किसके पास में? आपकी टर्बाइन के पास में। और आपकी टर्बाइन को क्या कर देगी? रोटेट कर देगी। और ये टर्बाइन हुई रोटेट, और ये आपको क्या कर देगा? इलेक्ट्रिकल पावर का क्या कर देगा? प्रोडक्शन कर देगा। क्लियर है? अभी इस पे मत जाइए कि सुपर हीटर क्या होता है, ये सुपर हीटर में जाके क्या कर रही है। क्लियर है? वो तो आप डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं समझा दूंगा कि सुपर हीटर
क्या है, क्लियर है? तो अभी क्या याद रखना है, अभी क्या याद रखना है, अभी आपको याद वही रखना है कि भाई मेरा फ्यूल जो होता है वो कोयला होता है, कोयले को मैंने जलाया है, हीट को मैं किस में काम में लूंगा, स्टीम बनाने में, स्टीम को बनाने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, पानी की रिक्वायरमेंट है, तो उस पानी को मैं गर्म करूंगा किससे, कोयले से, और उस स्टीम को मैं कहां भेजूंगा, टर्बाइन के पास में, वो क्या करेगा टर्बाइन को घुमाएगा, और टर्बाइन को घुमाएगा तो एक इलेक्ट्रिक पावर का क्या हो जाएगा, जनरेशन हो जाएगा। यह है आपका थर्मल पावर प्लांट पूरा एक डायग्राम में। सर सबसे पहली चीज मुझे यूज में लेना है फ्यूल, फ्यूल मेरा क्या है, कोयला है, फ्यूल क्या है मेरा, कोयला है। मैंने कोयले को लिया, कोयले में लगाई आग, कोयला जला, प्रोड्यूस हुई हीट, जैसे एक भट्टी नहीं होती जिसमें हम कोयला जलाते हैं, समझ लो एक भट्टी है, उस भट्टी में मैंने क्या किया, कोयले को जलाया। अब उस कोयले से मुझे क्या करना है, पानी को गर्म करना है। तो पहले सारी चीजों को छोड़ो, पहले मुझे चाहिए दो चीज, क्या क्या चाहिए, पानी, और दूसरा रिक्वायरमेंट मेरा कोयला, और दोनों को जब कोयले को मैं जलाऊंगा तो कोयले को मुझे किसमें जलाने के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी, और उसको हम क्या बोलेंगे, भट्टी, ये बोल सकते हैं आप क्या, बॉयलर, क्लियर है नहीं है? तो कोयला जलाने के लिए मुझे बॉयलर चाहिए, और उसमें मुझे चाहिए पानी, और उस पानी को उस हीट से मैं क्या करूंगा, गर्म करूंगा, ठीक है। तो पहली चीज तो चाहिए मुझे पानी, पानी कहां से आएगा, किसी नदी में से आएगा, ठीक है। तो ये रही मेरी नदी, इस नदी के पास में क्या है, पानी है, क्या है नदी के पास में, पानी है। इस पानी को मैंने यहां से इससे ले लिया पानी को, ठीक है। अब ये पानी को मुझे क्या करना है, गर्म करना है। अब इसमें बीच बीच में क्या है, उन सब चीजों को छोड़ो, पानी को मैंने क्या करना है, गर्म करना है। तो ये पूरी की पूरी यहां से क्या आ रही है, पाइपलाइन आ रही है। इस पाइपलाइन में यहां पे क्या भरा हुआ है, इस पाइपलाइन में क्या है, सर इसमें है वॉटर, क्या है इसमें, वॉटर। इसे क्या करना है, गर्म करना है, गर्म कौन करेगा, कोयला। तो मुझे ये पूरी की पूरी, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका, ये भट्टी है एक तरीके से, जिसका क्या है आपका, बॉयलर, बॉयलर भट्टी है आपकी। इसमें मुझे क्या करना है, कोयले को जलाना है। तो इसमें मुझे क्या लेके आना है, कोयला लेके आना है। कोयला कहां से आएगा, भाई जहां कोयला रखा है वहीं से उठा के लाओगे ना कोयला, ठीक है। तो ये रहा मेरा कोल स्टोरेज, यहां पे कोयला भरा हुआ है, यहां से मैंने कोयला उठाया, ये प्लांट आपका, इस प्लांट ने इसमें से कोयला उठाया और उठा के कहां पहुंचा दिया, इस बॉयलर में पहुंचा दिया। कोयले को क्या किया है आपने, जलाया है। जलाओगे तो पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब गर्म हो जाएगा तो क्या बनेगी, स्टीम बनेगी, भाप उठेगी, स्टीम बनेगी। अब एक एक चीज को डिटेल में समझने की कोशिश करो, बेसिक में आपको पूरा बता चुका हूं, अब डिटेल में समझो। देखो बेटा, बनानी मुझे स्टीम है, चलो ठीक है, लेकिन सर स्टीम बनानी है, स्टीम का मेन काम होना चाहिए टर्बाइन को घुमाना। फाइनल काम क्या है मेरा, टर्बाइन को घुमाना, मतलब स्टीम के पास होनी चाहिए एनर्जी। अब ये मेरी टर्बाइन है, अब इस टर्बाइन पे यहां से गई स्टीम, तो ये स्टीम इस टर्बाइन को क्या करनी चाहिए, घुमानी चाहिए, क्या करनी चाहिए, घुमानी चाहिए। तो घुमानी चाहिए तो स्टीम के पास क्या क्या होना चाहिए, पहली चीज स्टीम के पास होनी चाहिए जबरदस्त एनर्जी। क्या होनी चाहिए, जबरदस्त एनर्जी। एनर्जी कहां से हम दे रहे हैं, कोयले से गर्म करके, मतलब हीट यहां पे किसका काम कर रही है, एनर्जी का काम कर रही है। हीट किसका काम कर रही है, एनर्जी का काम कर रही है। मतलब आपकी जो स्टीम होनी चाहिए वो जबरदस्त तरीके से क्या होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए। जबरदस्त तरीके से क्या होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए, क्योंकि गर्म, गर्माहट में भी तो एनर्जी है, बिल्कुल सही बात है। तो हीट यहां पे किसका काम कर रही है, एनर्जी का, मतलब स्टीम में होनी चाहिए एनर्जी। एनर्जी मतलब गर्म, मतलब आपकी स्टीम बहुत जबरदस्त तरीके से क्या होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए। दूसरी चीज, ये स्टीम इसके ऊपर गिरेगी तो ये इसको घुमाने का काम करनी चाहिए। तो अगर वो इसको घुमाए तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सर ये स्टीम बहुत तेजी से फ्लो होनी चाहिए, बहुत जबरदस्त तरीके से जाके इसके ऊपर पानी आना चाहिए। अब पानी का जो फ्लो होता है वो कब बढ़ता है, जब उसका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है। क्या हाई होना चाहिए, प्रेशर हाई होना चाहिए, ताकि ये इसे इजीली तरीके से क्या कर सके, घुमा सके। अब समझो सर, मैंने यहां से इस कोयले को लिया, कोयले को लेके आया यहां से मैं किसके थ्रू, बॉयलर में। यहां पे मैंने कोयले को क्या किया, बर्न किया, कोयला बर्न हुआ। कहां पे बर्न होता है कोयला, बॉयलर में बर्न होता है, क्लियर है, ठीक है। ये कोयला जला,
अब इस पाइप में क्या है, इस पाइप में भरा हुआ है सर पानी, क्या भरा हुआ है पानी। अब पानी आपको कैसा चाहिए, हाईली प्रेशर्ड चाहिए, और उसको कैसा चाहिए, गर्म चाहिए। तो गर्म तो कौन कर देगा, कोयला कर देगा। मतलब इसमें जो पानी होना चाहिए वो पानी कैसा होना चाहिए, हाईली प्रेशर, हाईली प्रेशर होना चाहिए आपका। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। अब देखो तुमने यहां से गर्म कर दिया, गर्म करके पानी और आगे गया। अब तुम्हें चाहिए गर्म गर्म पानी प्रेशर के साथ टरबाइन पे गिराना है, तो तुमने यहां पे एक क्या यूज में ले लिया, सुपर हीटर। आप बोलोगे सर ये सुपर हीटर मैंने क्यों यूज में लिया है, तो बेटा ध्यान से समझना। जैसे तेरे पास भगोनी है, भगोनी में तूने नीचे से गैस को चलाया, गैस को चला के तूने पानी को उबाला, तो जब पानी को गर्म करते हैं ना तो सबका पहला काम क्या होता है कि पानी में से भाप निकलती है। समझना ध्यान से, पानी में से क्या निकलती है, भाप निकलती है। जब तुम उसको प्लेट से ढक देते हो तो वो भाप ना नीचे नीचे पानी की बूंदों में बदल जाती है, ठंडी होके बदलती है कि नहीं बदलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉइस्चराइज बोलते हैं। अब ध्यान से समझना, अगर किसी लोहे के कॉन्टेक्ट में अगर कंटिन्यूसली तरीके से भाप आती रहे, पानी आता रहे, तो वहां पे जंग लगना शुरू हो जाता है। तो यहां पे क्या होगा, जैसे ही तुम इस पानी को गर्म करोगे ना इस पाइपलाइन में, तो यहां से क्या उठेगी, भाप उठेगी, यहां से क्या उठेगी, भाप। अब ये भाप जो होगी ना, जो पानी को गर्म करते हो और तुम जो वो धुआं निकलता है, जो भाप निकलती है, क्या वो गर्म नहीं होती क्या, वो बहुत गर्म होती है, वो पानी से ज्यादा भी गर्म होती है। अगर तुम भाप में अपना हाथ रखो तो भाप जो है वो पानी से ज्यादा हाथ को जलाता है, पता है ना आपको ये बात, बिल्कुल सही है। तो इस भाप के पास में भी बहुत सारी एनर्जी है। अगर यहां से इस बॉयलर के पानी को अगर मैंने डायरेक्ट टरबाइन में दे दिया, तो यहां से निकलने वाली जो भाप जो होगी ना, वो भाप मेरी कहां जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। वो भाप मेरी कहां जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, जो पानी आया उसको मैं यहां ले आया सुपर हीटर में, और इससे जो भाप निकली उस भाप को भी मैं इधर से पकड़ के कहां ले आया, सुपर हीटर में ले आया। क्योंकि मुझे पता है, क्या पता है, कि इस भाप के पास में भी काफी एनर्जी है। लाया नहीं लाया, तो यहां से इस पानी को और इसको दोनों को मैं कहां ले आया, सुपर हीटर में ले आया। ये सुपर हीटर क्या करता है, ये सुपर हीटर इस पानी को और भी ज्यादा गर्म करता है, और भी ज्यादा गर्म करेगा। क्योंकि जितना गर्म होगा उतनी ही एनर्जी ज्यादा होगी। अरे दो रिक्वायरमेंट है ना मेरे, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, गर्मी उसके पास में, हीट उसके पास में बहुत ज्यादा होनी चाहिए। यहां से मैंने इसको भेज दिया आगे, किसके पास में, टरबाइन के पास में। इसने क्या किया, टरबाइन को घुमाया, टरबाइन को घुमाया तो जनरेटर ने क्या किया, इलेक्ट्रिक पावर को प्रोड्यूस कर दिया। क्लियर है, नहीं है। अब ये स्टीम आपकी काम आ चुकी है ये स्टीम। तो यहां से पानी वापस से निकलेगा, गर्म पानी हो गया था, गर्म पानी को अब मुझे वापस से क्या लेना है, वापस से नया पानी यूज में लेना है। तो मैं गर्म पानी को छोड़ूंगा, नया पानी वापस से यूज में लूंगा, और नए पानी को मैं फिर से क्या करूंगा, गर्म करूंगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, गर्म पानी के हीट जो है उस हीट को भी तो नए पानी को गर्म करने में यूज में ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। तो यहां से जो ये स्टीम होती है, जो स्टीम के पास में जो गर्माहट जो होती है, उस गर्माहट को हम लोग किस में यूज में लेते हैं, तो उनको हम यूज में लेते हैं इन हीटर्स के लिए। किसके यूज में, हीटर्स के लिए। तो यहां इनके पास ये जो गर्मी होती है, इस गर्मी को कंज्यूम करके हम किस में यूज में लेते हैं, इन हीटर्स में लेते हैं। और ये हीटर्स क्या करते हैं सर, ये हीटर्स जो होते हैं ना, ये पानी को फिर से गर्म करते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, यहां से जो स्टीम निकली, इसका जो पुराना पानी था, उस पुराना पानी को तो मैंने वापस से बाहर छोड़ दिया, नाले में होते हुए बाहर छोड़ दिया। यहां से मैंने इस नदी से फिर से क्या ले लिया, नया पानी ले लिया। तो कंडेंसेट का क्या मतलब होता है, कंडेंसेशन का मतलब होता है ठंडा करने वाला। तो गर्म पानी को निकाल दिया बाहर, ठंडे पानी को डाल दिया अंदर। अब आपको क्या करना है, प्रेशर बढ़ाना है, और आपको क्या करना है, गर्म करना है। तो आप लोग यहां पे किसको यूज में लोगे, पंप को यूज में लोगे। ये पंप क्या करेगा, पंप क्या करता है हाईली प्रेशर से किसी चीज को फेंकता है। तो पंप इस पानी का क्या बढ़ाएगा, प्रेशर बढ़ाएगा। यहां से प्रेशर से पानी जाएगा, फिर आप लोगों ने यहां पे क्या ले लिया, हीटर काम में ले लिया। हीटर क्या करेगा, पानी को गर्म करेगा। अब आप बोलोगे सर गर्म करने का काम तो यहां पे हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है ना बेटा, लेकिन यहां से गर्म पानी था, इसकी हीट बाहर जाती एनवायरमेंट में, कोई यूज नहीं होती, तो उस हीट को भी क्यों ना मैं यूज में ले लूं, उस हीट को भी मैं क्यों ना यूज में ले लूं। इसके पास में यहां बॉयलर में बिल्कुल ठंडा पानी भेजने की बजाय अगर थोड़ा बहुत मैं खुद गर्म करके भेजूंगा तो बॉयलर का काम थोड़ा आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो उसकी वजह से हम यहां पे क्या ले लेते हैं, हीटर काम में ले लेते हैं। ये हाई प्रेशर हीटर जो होते हैं, ये प्रेशर को भी डेवलप करते हैं
और ये आपके पानी को क्या भी कर देते हैं, गर्म भी करते हैं। क्लियर है? नहीं है तो यहां पे ये जो इनपुट पावर होता है ना, ये ऑलरेडी थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और फिर कहानी आपकी पूरी वो की वही चलेगी, फिर आपका वही सुपर हीटर के पास में पहुंचेगा, फिर वही वेट स्टीम यहां से जाएगी, फिर वही ये टर्बाइन के पास में जाएगा, और फिर पूरा का पूरा वही काम चलेगा जो आपका पहले हो रहा था। सही बात है कि नहीं है? तो ये समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? सर ये क्या है, एस स्टोरेज और एस प्लांट क्या है? अरे बेटा तुझे कोयले को जलाना है। अब और समझ हाल से देखते हुए चलो, क्या करना है? सर मेरे पास में कोयला है और इस कोयले को क्या करना है, बर्न करना है। अरे सर किसी भी चीज को अगर मुझे जलाना हो तो उसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। सही बात है, क्लियर है? तो जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और जलने के बाद में ये कोयला जो है ये किसमें बदल जाएगा, राख में बदल जाएगा। मतलब क्या होगा, एस आएगा। क्लियर है? नहीं, राख आएगी। तो इस राख को मैं इसी में तो नहीं भरे रहने दूंगा ना, इस राख को तो मैं बाहर निकालूंगा वापस। तो ये एस हैंडलिंग प्लांट है जो यहां से राख को बाहर खींचता है और खींच के इसको बाहर फेंक देता है। सही बात है? नहीं है तो ये काम तो होता है एस हैंडलिंग प्लांट का। लेकिन यहां पर मुझे कोयले को जलाना है, तो जलाने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का मतलब क्या है, हमारे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन खूब ज्यादा है, तो मतलब मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, एयर की जरूरत पड़ेगी। अब ये भट्टी बहुत ज्यादा क्या है, गर्म है। क्या मैं इसमें ठंडी एयर भेज के इस भट्टी को ठंडा करूं क्या? नहीं करना चाहिए। सर गर्म करने के लिए तो मैंने भट्टी बनाई है, तो इसमें मुझे क्या भेजना है, ऑक्सीजन भेजनी है। तो ऑक्सीजन भी कैसी होनी चाहिए, अरे सर गर्म करके भेजो ना, जो आप हवा भेज रहे हो बाहर से उसको भी गर्म करके भेजो, ताकि वो जलाने के काम भी आए और आपकी भट्टी जो है, बॉयलर जो है, उसके टेम्परेचर को कम भी ना करे। सही बात है कि नहीं है? तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? सर इसके लिए आपकी जो हवा है जो आप भेज रहे हो कि वो जले, तो उसके लिए उसको पहले से थोड़ा सा क्या कर दो, गर्म कर दो। अब देखो बेटा, जब यहां पे कोयला जलता है, आपने घरों में लकड़ी वगैरह जलाई होगी, कोयला जलाया होगा, तो धुआं भी निकलता है, वो धुआं काफी ज्यादा गर्म होता है, कोयला जलने का धुआं वो भी काफी ज्यादा गर्म होता है, जिनको हम बोलते हैं फ्यूल गैस। क्या बोलते हैं हम जिनको, फ्यूल गैसेज। कि यहां से आप लोगों ने इसको गर्म किया तो यहां से ये गैसें निकली है, फ्ल्यू गैसेज बोलते हैं इनको। तो फ्ल्यू गैसेज यहां से जब निकलेगी, तो यहां से जब निकलेगी तो आप उसको क्या करते हो, सर आपको ये दिखता है जब आप बाहर से किसी पावर प्लांट को देखते हो ना दूर से, तो आपको ये दिखती है चिमनी बड़ी बड़ी। तो आप क्या सोचते हो कि सर चिमनी मैंने लगा रखी है, और चिमनी का ये काम है कि बॉयलर में जो कोयला निकला उससे जो धुआं निकली, उस धुएं को मैंने चिमनी में होते हुए कहां फेंक दिया, बाहर फेंक दिया। लेकिन बेटा डायरेक्टली ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, सबके पहले धुआं आएगा। अब धुआं जो निकला है उस धुएं में कई सारी हानिकारक गैसें होती है। अब वो जो हानिकारक गैसें हैं उनको तो मुझे बाहर निकालना है, ये फिक्स है। लेकिन धुआं गर्म है और मुझे पूरे इस पूरे सिस्टम में हीट की जरूरत है, तो क्यों ना उस धुएं की जो गर्मी है उस गर्मी को क्यों ना मैं अपने लिए यूजफुल बनाऊं। बिल्कुल सही बात है। तो क्या करते हैं, धुआं जो निकला उस धुएं की जो हीट होती है उस हीट को ऑब्जर्व करने की कोशिश की जाती है। उस हीट को क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जर्व करते हैं। उस हीट को ऑब्जर्व करने का या कंज्यूम करने का जो काम करता है वो कौन करता है, इकोमनाइजर। कौन करता है, इकोमनाइजर। देखो नाम से क्लियर है, इकोमनाइजर का मतलब होता है जो पूरी इकोनॉमी को सेटल करने का काम करता है, सेटल करने का काम करेगा। मतलब जिसको हीट की जरूरत होगी ये उसे हीट प्रोवाइड करेगा, जिसके पास हीट ज्यादा होगी ये उससे हीट ले लेगा, मतलब पूरे सिस्टम को इकोनॉमिकल बनाएगा। समझ? तो यहां से जो गर्म गैसें निकली, इन गर्म गैसों के पास से इसने क्या किया, हीट को अपने पास कंज्यूम कर लिया। सही बात है, बिल्कुल सही है। अब इस हीट का ये क्या करेगा, सर ये हीट के कई सारे काम कर सकता है। क्या कर सकता है, पहली चीज तो सर मुझे पता है इसमें कोयला जलाने के लिए मुझे एयर की रिक्वायरमेंट पड़ी, और मैंने देखा अगर वो एयर अगर आपकी गर्म आए तो अच्छा है, तो इस एयर को मैंने क्या किया, गर्म किया। एयर को इसमें मैंने नई एयर को मैंने इसमें फ्लो कराने के लिए गर्म करने की जरूरत पड़ी, तो इसको गर्म कौन करेगा, ये इकोमनाइजर कर देगा। अरे उसके पास है ना गैस, तो क्या करेगा, आने वाली एयर को क्या करेगा, गर्म करने का काम करेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो ये इसका भी काम करता है, एयर हीटर का, एयर को गर्म करने का काम भी करता है। क्लियर है नहीं है? और चीजें जैसे सुपर हीटर है, सुपर हीटर के पास तो जबरदस्त गर्मी होती है, जबरदस्त एनर्जी होती है। लेकिन कभी ये भी हो सकता है सुपर हीटर में हम क्या करते हैं, स्टीम को बहुत जबरदस्त गर्म करना एक उसका काम है, तो उसके पास में जबरदस्त एनर्जी होती है। मान लो अगर उसके पास में बहुत ज्यादा एनर्जी है
तो इकोमनाइजर उससे एनर्जी ले लेगा। लेकिन अगर मान लो सुपर हीटर के पास में एनर्जी कम पड़ गई, उसे और ज्यादा गर्म करना है, तो ये इकोमनाइजर इसे क्या कर देगा, और ज्यादा गर्म कर देगा। मतलब सुपर हीटर के टेम्परेचर को जो मेंटेन करने का जो काम करेगा ना, कि भाई तुम्हारे पास अगर एनर्जी ज्यादा है तो तुम मुझे दे दो, अगर तुम्हारे पास कम है तो तुम मुझसे ले लो, तुम्हें जितनी स्टीम को गर्म करना है उतनी स्टीम को गर्म करो। तो इस चीज को सुपर हीटर के टेम्परेचर को जो कंट्रोल करने का काम करेगा वो भी कौन करेगा, इकोमनाइजर करेगा। जो इसमें आने वाली जो हवा है उसको गर्म करने का काम कौन करेगा, ये भी कौन करेगा, इकोमनाइजर करेगा। मतलब ये इकोमनाइजर इस बॉयलर के टेम्परेचर को और इस सुपर हीटर का जो टेम्परेचर है, इन दोनों टेम्परेचर को क्या करने की कोशिश करता है, मेंटेन रखने की कोशिश करता है। आपको कितना पानी को गर्म करना है ये आप किसके द्वारा डिसाइड कर सकते हो, इस इकोमनाइजर के द्वारा डिसाइड कर सकते हो। अब देखो यहां से गैसें निकली, ये एयर प्री हीटर है ना, ये एयर प्री हीटर है, ये मैंने इधर बना दिया, ये एयर प्री हीटर वही है जो आने वाली गैस को गर्म करके आपके किस में भेजेगा, बॉयलर में भेजेगा। यहां से गैस गई, गर्मी को कौन खा गया, इकोमनाइजर खा गया। आगे गया ये प्रीशिपिटर। सर ये प्रीशिपिटर क्या होता है, देखो बेटा आपके प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जब कोयला जलता है तो इसके कई तरह के कार्बन, हानिकारक गैसें, बहुत सारी चीजें जो है वो आपके बाहर निकलती है। तो ये कई सारी तरह की जो चीजें हैं ये जो बाहर निकलती है, इनको हम क्या करते हैं भाई, इन्वायरमेंट में जाएगी तो इन्वायरमेंट को खराब करेगी। आप लोगों ने कभी देखा होगा, अगर आप लोग किसी जनरेटिंग स्टेशन के पास में गए हैं तो वहां के जो पेड़ पौधे होते हैं, घर होते हैं, उनपे काला काला जो है ना वो परत सी जम जाती है। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि जब उसको जलाते हैं कोयले को तो उसमें कार्बन निकलता है बहुत सारा, हानिकारक गैसें निकलती है, तो कार्बन वगैरह जो चिमनी से बाहर निकलता है ना वो फिर क्या होता है, बारिश वगैरह की वजह से या हवा की वजह से वापस से आके जमीन के ऊपर जम जाता है। अब अगर वो किसी पेड़ पौधों की पत्तियों वगैरह पे अगर जम जाता है ना ये वाला, ये चिमनी का कार्बन बहुत खतरनाक होता है, ये हानिकारक होता है, अगर ये आके पेड़ पौधों की पत्तियों पे भी जम जाता है ना तो वो उन पेड़ पौधों को भी नष्ट कर देता है, इतना खतरनाक होता है। तो हम क्या चाहते हैं कि यहां से जो हानिकारक गैसें निकले या यहां से जो हानिकारक जो एलिमेंट आपके जो निकलते हैं, मैं नहीं चाहता कि वो एलिमेंट बहुत ज्यादा एनवायरमेंट में जाए ताकि एनवायरमेंट को क्या करे, खराब करे। तो हम इस एयर को एक तरीके से समझ लो छानने का काम करते हैं, तो उसके लिए हम ये प्रीसिपिटर यूज में लेते हैं। ये क्या करता है, हानिकारक जो कण होते हैं उन कणों को क्या करता है, हवा से अलग करने का काम करता है, और फिर जो बची हुई हवा होती है उसको हम चिमनी के थ्रू बाहर निकाल देते हैं एक जबरदस्त फ्लो के साथ में। तो हम लगाते हैं फैन, ये फैन क्या करता है, फिर जो बची हुई गैस होती है उसको इस चिमनी के थ्रू कहां फेंक देता है, बाहर फेंक देते हैं। चिमनी ज्यादा ऊंचे इसलिए बनाई जाती है ताकि आसपास का जो आप लोगों का जो एरिया है, जो माहौल है, उस आसपास के एरिया में इस पावर प्लांट की गैस का ज्यादा इफेक्ट ना पड़े और ये सीधी बाहर जाए एनवायरमेंट में, ऊपर आसपास के एरिया को ज्यादा अफेक्टेड ना करे। अगर आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो आप लोग इस चीज को भी काफी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अभी जो है ना, अभी प्रैक्टिकल लाइफ में अभी मैं आपको बताता हूं ये प्रीशिपिटर का मतलब या और इसका इफेक्ट जो पड़ रहा है अभी, वो क्या पड़ रहा है। रेत जो यूज में लेते हैं मकान बनाने के लिए, तो वो रेत जो होती है ना वो क्या करती है, नदियों वगैरह से खोद के लाई जाती है। अब नदियों से, अब आप जानते हो अभी जो है बहुत ज्यादा मकान वगैरह बनाए जा रहे हैं, पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, तो काफी ज्यादा खनन किया जा रहा है। अब अगर खनन किया जाएगा तो काफी ज्यादा गड्ढे वगैरह बनेंगे, तो वो भी एक एनवायरमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अभी प्रैक्टिकल लाइफ में एक रूल बनाए जाने की बात चल रही है, अभी गवर्नमेंट में क्या चल रही है कि सर ये जो ये एक पार्टिसिपेटर होता है, ये प्रीटिसिपेटर, ये क्या करता है, जो आपके एलिमेंट को अलग करता है, जो हानिकारक एलिमेंट होते हैं, जो ब्लैक ब्लैक कलर के जो एलिमेंट होते हैं जिनको ये अलग करता है, क्यों ना उन एलिमेंट्स को हम बिल्डिंग्स बनाने के काम में लिया जाए, क्यों ना ये जो हमारी रेत है इसकी बजाय हम इस वाले मेटेरियल को काम में लिया जाए। अगर आप लोगों ने सुना हो तो एक गवर्नमेंट एक नीति लाने की बात कर रही थी जिसका नाम इन्होंने रखा था एम सैंड नीति। सुना था कभी आप लोगों ने, एक एम सैंड योजना। ये एम सैंड जो होता है ना, ये एम सैंड इसी में से हानिकारक कणों को बाहर निकालने वाले को बोलते हैं, यही होता है वो एम सैंड। ओके, ब्लैक ब्लैक कलर का होता है जो इसको हम अब बिल्डिंग बनाने के काम में लिए जाने की बातें चल रही है, गवर्नमेंट बिल्डिंगों में ये अधिकतर काम में लिया जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, अभी तक शुरू नहीं हुआ है लेकिन इन फ्यूचर कि ये जो निकलता है इसको इसमें काम में लिया जाए। देखो, यूज टू कंबस्ट ऑफ द कोल इट्स कन्वर्ट वाटर इनटू द वेट स्टीम। बॉयलर क्या था, भट्टी, जलाना है कोयले को और उसको क्या करता है, गर्म पानी बनाता है।
सुपर हीटर क्या होता है? तो ये जो होता है आपकी वेटेड स्टीम जो होती है उसको सुपर हीटेड स्टीम में बदलता है, मतलब स्टीम को बहुत ज्यादा गर्म करने का काम करता है। टर्बाइन क्या होती है? सर टर्बाइन रोटेट कराने का काम करते हैं हम लोग, सही बात है नहीं है? बिल्कुल भैया, स्टीम तो हाई प्रेशर एक्सपेंड इन द टर्बाइन एंड ड्राइव द जनरेटर। टर्बाइन क्या करती है? इस पे आप स्टीम को ले जाके गिराते हो और वो टर्बाइन को घुमाता है और ये जनरेटर को टर्बाइन को रोटेट करवाता है। कंडेंसर क्या होता है? पानी को ठंडा करने का काम करता है और ठंडा पानी आप लोगों के सिस्टम में भेजता है। तो ये आपका कंडेंसर था जो कूल वाटर को भेज रहा था। कूलिंग टावर, इट्स ऑब्जर्व द हीट। कूलिंग टावर क्या होता है? अरे कूलिंग का मतलब यही है कि हीट को ऑब्जर्व करके उसको ठंडा करने का काम करे। ओके, इकोमनाइजर हम लोग बहुत अच्छे से, वही सारी चीजें हैं, देख लो आप, प्रैक्टिकल टू हीट टू इनकमिंग वाटर। ओके, देख लो एयर प्री हीटर। ओके, फ्यूल गैसेज में जो होते हैं उनको अलग करेगा ये।